गलियां 2014 का सबसे फेमस सॉन्ग, गलियां रिटर्न, अंकित तिवारी की अमेजिंग सी मैजिकल वॉइस, दोनों अच्छे हैं। एक में आई थी ये गाना, सेकंड वन ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज म्यूजिक जो है ना चेंज हुई है, रंग सारी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूं जन्मजय कुमार शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एंटरटेन। तो दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो है, उसका नाम है ओरिजिनल वर्सेज रीमेक 2022 बॉलीवुड सॉन्ग्स ओल्ड एंड न्यू इंडियन सॉन्ग्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बॉलीवुड में ये ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी पुराने सॉन्ग्स थे हमारे, लाइक जिसको हम गोल्डन जुबली सॉन्ग्स, पुराने जमाने के जो गाने थे, उसको अब रीमेक कर रहे हैं, रीमेक बना रहे हैं, और ये ट्रेंड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ओरिजिनल ज्यादा बेटर है या रीमेक। सो लेट्स सी कि कौन सा बेटर होता है, बिकॉज मुझे तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये जो वीडियो है वो क्लॉब्ड यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा देर ना करते हुए रिएक्शन शुरू करते हैं। कोका 2019 में आई ओरिजिनल सॉन्ग एंड काफी फेमस हुई थी ये गाना। ओके, कोका 2.0 जो कि लाइगर आज ही रिलीज हुई है फिल्म, इसमें बचपन ज्यादा बेटर था। गलियां 2014 का सबसे फेमस सॉन्ग, गलियां रिटर्न, अंकित तिवारी की अमेजिंग सी मैजिकल वॉइस, दोनों अच्छे हैं। एक में आई थी ये गाना, सेकंड वन ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज म्यूजिक जो है ना चेंज हुई है, रंग सारी। 2020 में आया ओरिजिनल एंड 2022 में सेम है यार, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। दुपट्टा तेरा सतरंगदा 2014 में आई ओरिजिनल, सी द रीमेक। दोनों अपने जगह पे अच्छे हैं। मेरे ढोलना या खुशहाल की आवाज कोई टक्कर में नहीं है। अरिजीत सिंह, इन्होंने भी अच्छा गाया है बट फर्स्ट वन बेटर है। मुखरे यार, पहला वाला ज्यादा बेटर है। 1973 का है ये सॉन्ग, किशोर कुमार की आवाज, विशाल मिश्रा ने गाया 2018 में। रखा रहा फर्स्ट वन इज बेटर बट म्यूजिक के मामले में सेकंड वन। रिंगा रिंगा सेकंड वन ज्यादा बेटर है। 1987 का ये सॉन्ग अखिया लड़ गए, 1996 में आया, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है इसको। तीसरा रीमेक, आई मीन सेकंड रीमेक सॉरी। तीनों अच्छे थे अपने जगह पे। 1988 का नित खैर मंगा, 1992 ये वाला बड़ा अच्छा है। तो तीनों में फर्स्ट और थर्ड ज्यादा बेटर है। किशोर कुमार की आवाज को कोई पीछे कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स फर्स्ट वन, आपके टाइम के लिए सेकंड वन अच्छा है बट फर्स्ट वन यार मेरी चॉइस पर है। 1998 का आई गो विद फर्स्ट वन, ज्यादा बेटर है। 1997 में आई सॉन्ग, कुमार सानू की आवाज, ऑफ कोर्स फर्स्ट वन, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है यार, कुमार सानू की आवाज, किशोर कुमार की आवाज में बचना है हसीनो, 1977 का सॉन्ग, अगेन सेम सॉन्ग है यार, ऋषि कपूर एंड रणवीर कपूर, तो भी अच्छा।
सुबह हमें से आए। ये अच्छा लग रहा है ना, वो रीमेक अच्छा है। फर्स्ट वन बट अरिजीत सिंह की आवाज भी कम नहीं है भाई, ये भी अच्छा लगता है। हंगामा हो गया 1973 का सॉन्ग, आशा भोसले की आवाज। आशा भोसले ने भी इसी को गाया है, बस खाली थोड़ा म्यूजिक का चेंज है, बट दोनों गाने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। दीवाना तेरा सोनू निगम की सॉन्ग 1999 में आई थी। अरिजीत सिंह, मैं हूँ दीवाना तेरा, म्यूजिक एंड वॉइस दोनों अच्छे थे। 1997 का सीओडी, ज्यादातर अरिजीत सिंह के ही आ रहे हैं गाने, मतलब रीमेक। लास्ट वाले में भी दोनों अच्छे थे। फर्स्ट वन यार, ऑफ कोर्स रंग भरे 1994। I'll go with this one remake, मैंने ये सुना हुआ है और बहुत अच्छा गाया है। okay, सोच 2013 में आई थी, 2015 में सोच ना सक गया है। मुझे रीमेक ज्यादा अच्छा लगा इस सॉन्ग का, अरिजीत सिंह की आवाज। जिद ना करो 1993 का सॉन्ग, अरिजीत की आवाज कमाल, दोनों अच्छे थे। पंकज उदास, अनुराधा पोडवाल, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि दोनों ही रीमेक एंड ओरिजिनल दोनों अच्छे हैं। 1977 का ये गाना कमाल का सॉन्ग है। अरिजीत सिंह ने इस गाने को लाइक एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। ओके, कितने थे? कमाल कमाल कमाल। इंटरेस्टिंग थी वीडियो यार, एक्चुअली रीमेक की बात करूं मैं, ओरिजिनल की बात करूं तो यार कुछ भी कहो, ओल्ड इज गोल्ड एंड हम उसे रिप्लेस ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। हाँ, बॉलीवुड में काफी ज्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि जो पुराने गाने हैं उसको वापस से रीमेक करके, तो रीमेक में भी एक्चुअली कुछ गानों को तो लाइक सिंगर चेंज भी कर रहे हैं, बट कुछ गाने तो पुराने, जैसे कि मैं बात करूं हंगामा हो गया, आशा भोसले ने गाया है, इवन नए वाले को भी उन्होंने ही गाया है, बस थोड़ा म्यूजिक का चेंज है। सो कॉन्सेप्ट इन्होंने ले लिया बेसिकली रीमेक का और पुराने गाने, बट कुछ भी कहो ओल्ड इज गोल्ड। रीमेक भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा है, बिकॉज समय के साथ साथ कहते हैं ना कि थोड़ा म्यूजिक एंड ऑल चीजें चेंज हो रही है। सो या ट्राई कर रहे हैं कि ये पुराने गानों को भी थोड़ा नया फ्लेवर दे। सो इंटरेस्टिंग था, मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी एंड कुछ गाने तो मैं बोलूँ तो रीमेक ज़्यादा बेटर है इवन पुराने वाले से, जैसे सोच जो कि हार्दिक संधू के गाना है। मुझे आई गेस जो सोच ना सके 2015 में आई थी अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट की, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सो वैसे ही और भी कई सारे गाने हैं जो कि काफ़ी रीमेक्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो आपके हिसाब से रीमेक ज़्यादा बेटर थे या ओरिजिनल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज देखते हैं ना कि आपकी क्या चॉइस है भाई, रीमेक ज़्यादा पसंद करते हो आप या फिर ओरिजिनल। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब, बिकॉज लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, जो कि नहीं ज़रूरत है करने की, सब्सक्राइब करो बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपना कमेंट ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली रिएक्शन वीडियो में कुछ नए स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।